हेलो फ्रेंड्स, मैं मनु गुप्ता को क्रेजी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस समय तिल से बनी चीज़ें खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। आज हम तिल और मावे के लड्डू बनाएंगे। आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। ये कढ़ाई को मैंने गर्म किया है और इसमें मैं ये सफ़ेद तिल 400 ग्राम सफ़ेद तिल मैं इसमें ले रही हूँ। इन तिलों को मुझे ड्राई रोस्ट करना है। कोई भी घी वगैरह इसमें यूज नहीं करना है। लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट मुझे इन्हें करना है। ये देखिए हल्का हल्का रोस्ट होने लगे हैं। जब तिल रोस्ट होने लगते हैं तो वो थोड़े थोड़े फूल जाते हैं, उनका कलर हल्का सा चेंज होने लगता है। आपको दिख रहा होगा कि कलर उनका हल्का सा चेंज होने लगा। बस एक दो मिनट मुझे इसे और रोस्ट करना है। लगभग रोस्ट हो चुके हैं। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। एक दो मिनट ऑफ गैस पर ही चलाऊंगी क्योंकि कढ़ाई मेरी अभी भी गर्म है और उसकी हीट इसे थोड़ी मिले। तिल ज्यादा काले होने के बाद कड़वे हो जाते हैं, इसलिए उन्हें लो फ्लेम पर बस हल्का सा कलर चेंज होने तक ही रोस्ट करना होता है। मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ तिलों को। तिल मैंने निकाल लिए हैं सारे और अभी इन्हें मुझे ठंडा करना है। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं सेम पैन में मैं अपने मावे को गूंदूंगी। ये मैंने 400 ग्राम ही मावा लिया है, मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम है, 400 ग्राम तिल और 400 ग्राम मावा। इस मावे को भी मुझे थोड़ा सा भूनना है। ये छोटे छोटे पीसेस मैंने इसके कर लिए हैं, कोई मैंने इसको ग्रेट नहीं किया है, ये इसी में मेल्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा हाथों से इसे तोड़ लिया। देखिए इसे भी चलाते हुए मुझे लो फ्लेम पर ही चलाते हुए इसे बस हल्का मेल्ट ही करना है। ज़्यादा इसे कुछ वैसे नहीं भूनना है, हल्का मेल्ट करना है। ये मैंने रेडीमेड मावे का यूज़ किया है, यहाँ पर आप घर का बना हुआ मावा भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं इसको दबाती जा रही हूँ ताकि ये जो बड़े बड़े पीसेज हैं ये टूट जाएं सब। ये देखिए हल्का हल्का मेल्ट होने लगा है। थोड़ा थोड़ा दबाते हुए मैं इसे एक साथ कर लूँगी। बस इसमें से घी आने लगा है। ये देखिए इसमें घूमने लगा है मावा पैन में और इसमें से घी भी निकलने लगा है। ये देखिए घी साइडों में आने लगा है। बस अब मैं गैस को ऑफ करूंगी और इसे थोड़ा सा ऐसे ही चलाते हुए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। कि मावा ठंडा हो रहा है मेरा, तब तक ये हमारे तिल भी ठंडे हो चुके हैं और अब इन तिलों को हमें ग्राइंड करना है। इनको ग्राइंड करने से पहले थोड़े से तिल मैंने साबुत निकाल लिए हैं और ये तिल हम बाद में यूज करेंगे। बाकी तिल अपने जार में ट्रांसफर करने हैं। सारे तिल मैंने जार में ट्रांसफर कर लिए हैं और अब इन्हें मैं ग्राइंड कर लूँगी। तिल मेरे ग्राइंड हो चुके हैं और अब मावा भी मेरा ठंडा हो गया है। बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, अब एकदम लड्डू बनाने के लिए तैयार। इसे इतना ही ठंडा होना चाहिए कि हाथ से इसे टच किया जा सके, रूम टेम्परेचर पर लगभग। इसी मावे में अपने तिल में मिला लूँगी। थोड़े से तिल मैंने बचाए हैं तो थोड़ा इसे मिक्स करके मैं फिर बाकी तिलों को मिलाऊंगी। इसी में जो साबुत तिल हमने तब बचाए थे उन सारे तिलों को मैंने इसमें मिक्स कर दिया। ये आपकी चॉइस है, अगर आप हल्का सा तिल की बाइट खाना चाहते हैं तो इसको डालें, नहीं तो आप सारे ग्राइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। मीठा करने के लिए मैं दो चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ, ये पूरा है और ये करारा। करारा इजीली ग्रॉसरी शॉप पर आपको मिल जाएगा,
आइसक्रीम पूरा और करारा, ये टोटल मिलाकर मुझे 600 ग्राम मतलब डेढ़ गुना मुझे ये दोनों मिलाकर लेना है। उसमें से 400 ग्राम मैंने पूरा लिया है और 200 ग्राम करारा लिया, दोनों की क्वांटिटी मिला करके 600 ग्राम। करारा बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। इसका यूज़ का ये फ़ायदा है कि अगर पूरा डालने से ये लिक्विड ही ज़्यादा होता है तो करारा उसके लिक्विड को बैलेंस कर लेता है और वो बहुत लिक्विड से नहीं होंगे, लड्डू बांधने में आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा पूरा डाला मैंने, अब ये थोड़ा सा मैं इसमें करारा डालूंगी। पूरा एक बार में कुछ भी नहीं डालना, फिर जैसी हमारी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम डालते जाएंगे। इन्हें मिक्स करूँगी। अब मैंने अपने हाथों से ही मिक्स कर लूंगी। एक साथ डालने से उसे मिक्स करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। ये देखिए मैंने बूरा और डाला है। देखिए ये थोड़ा ना लिक्विड होने लगता है बूरा डालने के बाद। बूरे की ये टेंडेंसी होती है कि वो लिक्विड करता है और करारा जो है लिक्विड नहीं होने देता है। ये सारा मैंने मिक्स कर दिया है, बस अब इन सबको सारी चीज़ों को मैं आपस में अच्छे से मिक्स करूँगी। कोई बूरे करारे में हल्की कई बार गुठलियाँ भी होती हैं तो उन्हें अपने हाथों से ही तोड़ दूँ। ये देखिए साइडों में आपको दिख रहा होगा थोड़ा लिक्विड होने लगा है। अब इसमें मैं तिल भी मिला दूंगी, ये मिक्स हो गया है, अपने बचे हुए तिल भी मैंने इसमें सारे मिला दूंगी। एक्चुअली जो ये बूरा होता है ये बीच का स्पेस भर देता है, जो तिलों और मावे के बीच में स्पेस था तो इसलिए उसमें जगह बन जाती है। अब ये इजीली सारा मिक्स हो जाएगा। मेरा सारा मिक्सचर मेरा मिक्स हो गया है, बस अब इसके लड्डू बनाने मुझे बाकी। एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है, लगभग 100 ग्राम नारियल का बुरादा है, इसे मैं प्लेट में फैला रही हूँ। देखिए फैला दिया है इसे और लड्डू बनाकर हम इसी पर रखेंगे। दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा मिश्रण लेकर के अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से लड्डू मैंने बनाए। देखिए इजीली बन रहा है ये लड्डू। अगर इसमें थोड़ा सा करारा नहीं होता तो ये लड्डू यहाँ पर बांधने में दिक्कत होती है और लिक्विड होता चला जाता है। इस कंडीशन में इसकी शेप फिर मेंटेन नहीं रहती है। देखिए इतनी जल्दी से बन गया है ये। बस अंगूठे से थोड़ा दोनों अंगूठों से दबा के और उंगलियों से हल्का हल्का चला रही हूँ। बहुत ही इजी है इन्हें बनाना, ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इन्हें बनाने में, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये देखिए इनको थोड़ा थोड़ा मैं इस पर रोल कर दूंगी। नारियल के बुरादे का फ्लेवर इसमें बड़ा अच्छा लगता है, देखने में भी ये सुंदर लगने लगते हैं, वो इससे इसका फ्लेवर भी और अच्छा हो जाता है। ये देखिए मेरे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं लड्डू, मैं तोड़कर भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर से लड्डू कितना मॉइस्ट है, बहुत सॉफ्ट है ये खाने में। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नई नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।